हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे बेटा। चलिए चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करते हैं। ओके, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज एज वेल एज सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज। आज हम डिस्कस करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज। ओके बेटा, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजीनियस सॉरी कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे बात हो रही है जो कोलाइडल सॉल्यूशन है कैसा होता है, हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा होता है? हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ओके, इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल साइज है दैट इज स्मॉलर मोर देन सॉरी ग्रेटर देन ट्रू सॉल्यूशन एंड स्मॉलर देन सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन से पार्टिकल साइज क्या होता है इसका, बड़ा होता है, और सस्पेंशन से छोटा होता है। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी सॉरी इट्स कैन नॉट बी यानी जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है उनको हम फिल्टर पेपर से डू नॉट या कैन नॉट सेपरेटेड अलग नहीं कर सकते हम, ठीक है। जबकि हमने देखा सस्पेंशन में हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। सोल्यूट डू नॉट सेटल एट द बॉटम, अगर इसको आप थोड़ी देर छोड़ भी दे रहे हैं डिस्टर्ब तो भी जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो सेटल नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसमें जनरली होता क्या है, दे आर शोइंग कैंडल इफेक्ट्स। कैंडल इफेक्ट्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बीकर है, ओके, और इसमें आपने कोलाइडल सॉल्यूशन डाल रखा है, यहाँ से आप एक टॉर्च से लाइट पास करते हैं तो ये जो लाइट है ये आपको दूसरे साइड में विजिबल हो जाएगी इसका पास, दैट इज नोन एज कैंडल इफेक्ट। ओके, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं कोलाइडल के, ये इतने बड़े पार्टिकल्स होते हैं कि जैसे ही लाइट टकराती है इसको स्कैटर कर देते हैं, और स्कैटर होने से ये लाइट आपको दूसरे साइड में विजिबल हो जाएगी, दैट इज नोन एज कैंडल इफेक्ट, जो कौन सा करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे मिल्क एंड स्टार सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, इसके एग्जांपल्स है कोलाइडल के। ओके, यानी हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होता है, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते सोल्यूट एंड सोल्वेंट को। सोल्वेंट जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो बॉटम में सेटल नहीं हो सकते, अनलेस शो कैंडल इफेक्ट। ओके, अब आ जाते हैं कुछ जनरल एग्जाम्पल्स की। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक टेबल दी हुई है बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लर्न करनी है। पहले बात आती है इसमें डिस्पर्स्ड फेज। देखिए डिस्पर्स्ड फेज क्या होते हैं, कोई भी सोल्यूट आप कह सकते हैं जो कम अमाउंट में होता है, और इसको हम डिस्पर्स्ड मीडियम जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक लिक्विड है, एल फोर लिक्विड, ओके, जी फोर गैस, आप लिक्विड का कुछ अमाउंट गैस में ऐड करते हैं तो इससे बनते हैं एरोसोल्स, देख लोगे आपने स्प्रे वगैरह। तो फॉग जो आप देखते हो, कोहरा, ठीक है, वो इसी के एग्जाम्पल्स। आपने देखा उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, इसमें कुछ स्मोक के पार्टिकल्स आ जाते हैं, या क्लाउड मिस्ट भी यही होता है कि क्लाउड जब इकट्ठे हो जाते हैं दैट इज फॉर्मिंग ए स्मोक लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा है सॉलिड, अगर डिस्पर्स्ड फेज, ध्यान रखना डिस्पर्स्ड फेज हमेशा कम अमाउंट में होती है, ओके, जिसको हम डिस्पर्स्ड मीडियम में ऐड करते हैं। डिस्पर्स्ड अगर फेज अगर सॉलिड है और डिस्पर्स्ड मीडियम अगर गैस है तो क्या बनेगा, तो भी आपका एरोसोल बनेगा, यानी लिक्विड इंटू गैस हो या सॉलिड इंटू गैस हो, गैस का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा है तो इससे क्या बनेगा, इससे भी एरोसोल बनेगा। इसमें एग्जाम्पल है स्मोक, धुआं आपने देखा। अब बात आती है अगर डिस्पर्स फेज है गैस और डिस्पर्स मीडियम है लिक्विड, यानी गैस इंटू लिक्विड, तो क्या बनेगा, फोम, ओके, और इसके एग्जाम्पल है सेविंग क्रीम। अब है लिक्विड इंटू लिक्विड, अगर लिक्विड इंटू लिक्विड है तो आप ध्यान रखना इसको बोलते हैं इमल्सन, क्या बोलते हैं, इमल्सन। और लिक्विड इंटू लिक्विड आपको पता है मिल्क है, फेस क्रीम है, यानी टू लिक्विड्स को मिला के बनाई जाती है। उसके बाद है अगर सॉलिड इंटू लिक्विड, सॉलिड अगर लिक्विड में है तो इससे बनता है सोल, ये तो आपको याद हो जाएगा, एस ओ एल सोल, सॉलिड इंटू लिक्विड, ओके, तो सोल, जैसे MgOH2, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहाँ कहाँ आता है, जनरली जब एसिडिटी हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है उससे रिलैक्स पाने के लिए। लिक्विड इंटू सॉलिड इसको बोलते हैं जेल, यानी सॉलिड ज्यादा क्वांटिटी में लिक्विड कम, जैसे जेली बटर ये वगैरह जो बनते हैं इनको हम बोलते हैं जेल। तो ये कुछ जनरल एग्जाम्पल्स है बेटा कोलाइडल के, आपको लर्न करने हैं और प्रॉपर्टीज आपको रिमाइंड करनी है और नोट्स बनाने हैं। हैव ए गुड डे।